नमस्कार साथियों, मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी के साथ एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और काव्य रचना की दुनिया में आज हम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिमांशु जोशी का तुम्हारे लिए, हिमांशु जोशी का तुम्हारे लिए। और मेरे साथ सर बैठे हुए हैं, राकेश जी सर। तो चलिए, हिमांशु जोशी जी के बारे में सबसे पहले तो इनका कुछ ही दिनों पहले, लगभग महीनों पहले निधन हुआ था, तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसके साथ ही हम हिमांशु जोशी जी के बारे में जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उपन्यास के स्टार्टिंग में वो लिखते हैं कि साहित्य का होना, साहित्य की सार्थकता तभी है जब वो जीवन को जिया हुआ यथार्थ लगे। तो यह बात तो हिमांशु जी ने कही है तो बहुत ही गहरी बात है। इसी बात को उन्होंने उपन्यास के माध्यम से बताया है। तो मैं आपको इस पतझड़ के मौसम में यादों के सफ़र में लेकर चलने वाला हूँ तुम्हारे लिए के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इस कहानी में क्या है। इस कहानी के जो पात्र हैं वो है अनुमेहा और विराग। एक ऐसी कहानी है जो पढ़ने पर हमारे दिल को छू जाती है। हमें लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं कहानी ये हम ही से जुड़ी हुई है। क्योंकि इस कहानी को पढ़ने के बाद, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं कुछ बातों के बारे में बात करूँगा कि इस कहानी को पढ़ने के बाद ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना अनुभव लिखा है, जिसको मैं सबसे पहला अनुभव मैं बताता हूँ कि इंदौर की एक महिला डॉक्टर ने लिखा है कि मुझे तो ये मेरी ही अपनी कहानी लगती है। अनुमेह की तरह भी मुझे भी मामा के घर पर रहकर पढ़ना पड़ा और मुझे भी वहाँ पर पढ़ाने एक व्यक्ति आते था। तो इस प्रकार के पत्र आते हैं। एक और पत्र है जो कि हिमांशु जोशी जी के पास आया था, उसमें लिखते हैं वो कि एक नवोदित लेखक के स्वर्गीय कुमार गौतम, वो एक बार उनसे मिलने आए। जब उन्होंने इस उपन्यास को पढ़ा तो वो इस उपन्यास में इतने सम्मोहित हो गए कि वो ढूंढते नैनीताल तक जा पहुँचे। वो नैनीताल में उन पात्रों को, उन स्थानों को खोजने लगे जिन जिन स्थानों के बारे में इसमें बात की गई है। तो नैनीताल के जो वातावरण है उसको भी शब्दों के रूप में सजीव रूप से हिमांशु जोशी जी ने ला दिया है। तो ऐसी जो कलात्मक, या हम कह सकते हैं कि रूह को छूने वाली जो बात है, वो हिमांशु जोशी के तुम्हारे लिए में है। तो चलिए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये कहानी है एक नौजवान की जिसका नाम है विराग। सामान्यतः एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। तो मध्यम वर्ग में क्या होता है कि एक लड़के पर ही सारी जिम्मेदारी होती है। तो वो जिम्मेदारी के कारण जो है वह पढ़ाई करने के लिए एक बड़े शहर में जाता है। तो यहाँ पर भी जो विराग है, उसके पिताजी जो हैं वो एक किसान है। तो वो अपने बेटे के सपनों की खातिर, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही तेज होता है बचपन से, तो उसके सपनों की खातिर उसके जो पिता है वो अपने घर की वस्तुएँ बेचकर, ज़मीन बेचकर उसको बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो विराग पहुंच जाता है नैनीताल में। नैनीताल की खूबसूरत वादियों में वो अपना प्रवेश रखता है। किशोरता के एक सपने होते हैं, किशोरवय व्यक्तित्व के एक सपने होते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, किस तरह से उसका जीवन होगा। वो सारे सपने लेकर विराग जो है वो नैनीताल पहुंच जाता है। नैनीताल पहुंचने के बाद वो वहाँ पर एक ठंडी सड़क जो है नैनीताल का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर वो जो है वो उसकी पहली मुलाकात अनुमेहा से होती है। तो किशोर भाई प्रेम होता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। आकर्षण होने के कारण जो है वो उससे पहली बार में केवल उसको देखता है। फिर क्या होता है कि वहाँ पर चला तो जाता है विराग नैनीताल में, तो फिर उसको जो है वो ये सोचता है कि मैं पढ़ाई के अतिरिक्त मेरा जो खर्चा निकल जाए उसके लिए मुझे कुछ ट्यूशन भी करनी पड़ती है। तो इसी घटनाक्रम में जो है उसे डॉक्टर साहब मिलते हैं जिसकी बेटी का नाम होता है अनुमेहा, जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र है। उसी को ट्यूशन पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो विराग पर आ जाती है। विराग उसके घर जाता है उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और इसी आपसी तालमेल में क्या होता है कि दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। किशोर वही प्रेम होता है जो कि एक आकर्षण होता है, जिसको हम कह सकते हैं। तो वो जो है वहाँ पर अनुभव किया जा सकता है। तो कहानी क्या है कि रोचक घटनाक्रम के साथ में आगे बढ़ती है। और जब विराग जो है अनुमेहा के घर जाता है तो वहाँ पर उसको अन्य पात्रों से उसका सामना होता है।
तो उसी पात्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बातें आगे चलती है और क्या क्या होता है। ये मैं थोड़ा सा आपको वहाँ पर उसको श्रीमती दत्ता जो है वो मिलती है, जो कि अनुमेहा की ही घर में रहती है। तो दत्ता जो होती है वो क्या करती है कि वो विराग से बहुत ही अजीब सी बातें करती है। उसका वो प्रेम के बारे में ज़्यादा जो है वो विराग से बातें करती है। तो विराग को उस समय इतना पता नहीं चलता है, या फिर कह सकते हैं कि वो इन अनुभवों से अपरिचित होता है, तो वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। और वो उनको जो है मिसेज दत्ता जो है वो उसको भोलू मास्टर जी कहती है और उसकी हमेशा क्या करती है, नकल उतारती है। तो एक बार क्या होता है कि दत्ता जो है वो विराग की तरफ किसी ना किसी तरह की बातें कर उसको आकर्षित करने का प्रयास करती है। वो उसको प्रेम के बारे में बहुत सी बातें कहती है। तो एक बार क्या होता है कि विराग उसको जो है वो स्पष्ट रूप से कह देता है कि मेरा इन बातों में कोई विचार नहीं है, ये सब जो तुम जो करती हो प्रेम के बारे में ये सब एक ढोंग। तो इस प्रकार की बातों से क्या होता है कि श्रीमती दत्ता जो होती है वो सांसारिक रूप से विरक्त हो जाती है और वो फिर जो बाबाओं की शरण में चली जाती है और अपना सब कुछ जीवन को वो निस्सार मानकर आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कदम रख देती है। तो इस तरह से कहानी आगे चलती है। तो इसी कहानी में कहते हैं तो इस प्रकार क्या होता है कि एक ट्विस्ट आता है और जो विराग जिस हॉस्टल में रहता है उसी हॉस्टल में एक सुहास नाम का लड़का भी होता है, जो कि बहुत ही अमीर कह सकते हैं अमीर होता है। तो क्या होता है कि जब विराग और अनुमेहा आपस में आकर्षण में बंधे होते हैं तब सुहास उनकी ज़िंदगी में आ जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह का भ्रम जो है वो विराग को होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो सुहास जो है वो अनुमेहा से प्रेम करता है। जब कुछ घटनाक्रम भी ऐसे घटते हैं कि वो उसकी जो अनुमेहा की फ़ोटो जो है वो उसको बताता है, विराग जो अपनी किताबें बेचकर अनुमेहा के जन्मदिन पर जो तस्वीर उसके लिए लाता है वो भी जब वो सुहास के हाथों में पाता है तब उसका दिल जो है वो एकदम से धक से हो जाता है। उसको एक अविश्वास जो है वो अनुमेहा के प्रति हो जाता है कि किस प्रकार से उसका प्रेम जो है वो चला जा रहा है। तो ये कहानी जो है वो इस तरह से आगे बढ़ती है। फिर क्या होता है कि समय बीतता है तो विराग जो है उसके घर से परीक्षा होने के बाद उसके घर से बुलावा आता है। तब बहुत सारी बातें हैं देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से एक मध्यम वर्गीय लड़का जो है वो अपनी पढ़ाई करता है और अपने सपने पूरे करता है, तो उसके घर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो क्या होता है कि और उसके जो विचार हैं वो भी बदल जाते हैं, एक तरह से घृणा जो है वो उसका उसके जीवन में आ जाती है। मतलब ये सब बातें जो है वो एक प्रतियोगी भी एक समझ सकता है कि किस प्रकार से जब उसका समय संघर्षपूर्ण चल रहा होता है तब उसकी कैसी मनोदशा हो जाती है। तो वही मनोदशा जो है वो विराग की होती है। वो जब घर आता है तब उसके पिताजी जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, तो वो क्या होता है कि मांग कर अपना खर्चा चलाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि पिताजी उसके छोटे भाई, विराग का छोटा भाई होता है वसंत, उसको राम राम पाठ जो है वो सिखाते हैं, राम रामो रामा पढ़ाते हैं। तो वो विराग भी वहीं पर बैठा होता है तो वो वहाँ से उठ जाता है और तो उसको तो वो अपने पिताजी से ये कहता है कि इससे आप आखिर क्या बनाना चाहते हैं, इस ग्रंथ को रटाकर ज़िंदगी में इस बेचारे को क्या मिल पाएगा। तो पिताजी जो हैं वह एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या धर्म ग्रंथ पढ़ाना पाप है। तो उसी तरह से जो विराग जो उस तरह से उस माहौल में रहता है उसकी मन स्थिति में ये कहता है कि पाप है या पुण्य यह तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो बस एक ही बात कह रहा हूँ कि इसे पढ़कर ये कहीं का भी नहीं रहेगा, ना घर का ना घाट का, मैंने ग्रंथों का अपमान कहाँ किया है। वो कहता है कि उत्तेजना से वो बोलता है कि मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो संस्कार आदमी को ऊपर नहीं उठने देते उन्हें तिलांजलि दे देनी चाहिए, इतना कुछ रटाकर आपने मुझे क्या दिया। तो एक प्रकार से जो आक्रोश का भाव है जीवन में वो भी विराग की अंतर्मन में कहीं ना कहीं घूमता है और वो अपने पिताजी के लिए ऐसी बात कहता है। और इसके बाद इस तरह से बात करने के बाद वो स्वयं भी बहुत दुखी होता है कि मैंने अपने जीवन में पहली बार अपने पिताजी से इस प्रकार से बात कैसे कर ली। तो उसके बाद भी जो है वो विराग यहाँ पर एक और बात कहता है कि आपका ये अधूरा धर्म, अधूरा अध्यात्म, अधूरा ज्ञान किसी को भी किसी भी मंजिल तक नहीं ले जाएगा। जीवन पर इस राह पर चलने पर भी आदमी अंत तक अधूरा ही रहेगा। आत्म प्रवंचना से बड़ा क्या कोई पाप होता है। देखिए कितनी बड़ी बातें हैं, कितनी गहराई से जो है वो हिमांशु जोशी ने विराग के माध्यम से कही है। पर पिताजी जो होते हैं उसके वो बहुत ही विचारवान होते हैं, वो यहाँ पर किसी भी तरह से उसको अपशब्द नहीं कहते हैं, जबकि ये कहते हैं कि
धर्म को अधर्म कह रहा है और पाप को पुण्य। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है विराट, शाप देने की तरह उन्होंने अपनी तर्जनी हवा में उठाते हैं कि भगवान तुझे सद्विचार दे, और वो इस तरह से माँ से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने गांव में जाता है, तो जैसे ही वो उसको एकांत लगता है तो वो फिर से उसी दुनिया में खो जाता है। जो है वो आगे बढ़ती है, फिर जो होता है विराग जो है वो अपने घर पर आता है और इस तरह से कंडीशन वो देखता है। इसी तरह से जब वो धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बातें घर कर जाती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अनुमेहा का संबंध जो है वो सुहास से ही होगा, इस तरह से बातें उसके दिमाग में घर करती है, जिसके कारण वो क्या करता है कि आकर्षण होता है तो उसके कारण वो नशा करने लग जाता है, नशे की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में विराग पहुँच जाता है कि वो अपनी किताबें बेचकर भी जो है वो नशा करना शुरू कर देता है, और उसकी जो हालत है वो दिन प्रतिदिन गिरती चली जाती है। तो किशोर वय जो कहानी है वो पूरी हिमांशु जोशी ने अपने इस उपन्यास में बताई है, जैसी कहानी है कि अगर आप ही पढ़ेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं कहानी मेरे जीवन को छूती है। फिर क्या होता है कि समय बीतता है तो विराग के पुनः परीक्षाएं जो है वो समाप्त होती है, और वो जो है एक दो विषय में जो है वो रह जाता है, बेक लगता है जिसको अपन कह सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब अपने वो घर पे आता है तब उसको ये पता चलता है कि उसकी जो अम्मा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो वसंत जो है वो उसको कहता है कि अम्मा जो है वो बीमार है। जब वो अपने घर में आता है, प्रवेश करता है, तब एक छटपटाहट के साथ जो है वो वसंत उसके पास आता है, और वो उसको कहता है तो वो पिताजी के साथ कि अरे तू यहाँ बेटा है विराग, तेरी अम्मा तो, उसका स्वर टूट जाता है और उससे पिताजी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो जब उसकी अम्मा के पास जाता है तो अम्मा की मूंदती हुई पतली आँखों में कितना कुछ नहीं तैर रहा था। अपने सूखे झरझर हाथों से मेरे सिर को सहलाती हुई वो कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाई। ओह कितनी छटपटाहट, मुझसे देखी नहीं जा रही थी। तभी एक दो हिचकियों के बाद उनकी कमज़ोर गर्दन तकिए पर एक और लुढ़क पड़ी, यानी कि विराग की जो अम्मा है वो नहीं रही। तो इसी छटपटाहट जब शब्दों में आती है तब जो मन जो है वो बहुत ही छटपटा जाता है। तो इसी तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है कि जब विराग शाम को शमशान से लौटता है तब थका सा अनुभव करता है, और एकदम से वो चेतना शून्य हो जाता है, और घर आकर देखता है कि आले पर तुम्हारा पत्र पड़ा है। किसका पत्र? अनुमेहा का पत्र। उसमें एक ही लाइन लिखी थी कि पत्र नहीं दोगे क्या? केवल ये चार शब्द लिखे थे तुमने, उन्हें पढ़ते ही पता नहीं सहसा क्या हुआ, जैसे वर्षों से रूंदा बांध एकाएक टूटकर बह निकला हो। सचमुच मैं फफक फफक कर रो रहा था, उस सारी रात होता रहा। अम्मा के जाते ही घर कितना सूना सूना हो गया था, अंधेरे कमरे काटने को दौड़ते। पिताजी अब अधिक समय तक पूजा पाठ में लीन रहने लगे, एकदम वितरागी सन्यासी जैसे। तो इस तरह से जो कंडीशन आगे बढ़ती है, विराग पुनः हॉस्टल में जाता है। इस बार वो ठान लेता है कि वो सुहास से अलग हो जाएगा, तो वो क्या करता है कि एक छोटी सी जो कोठरी होती है उसमें वो जाकर शिफ्ट हो जाता है। कम पैसे की होती है वो, तो जहाँ पर उसका खर्चा भी कम होता है, और एक समय खाना बनाकर वो अपना जीवन निकालने की चेष्टा करता है और दिन भर किताबों में लगा रहता है। कहते हैं ना कि जो पहला प्यार जो होता है वो या तो इंसान को ऊपर उठा देता है या फिर नीचे गिरा देता है। तो नीचे गिरने के बाद विराग जो है वो पुनः ऊपर उठता है, अपने सपनों को जिंदा करने के लिए वो पुनः ऊपर उठता है और अच्छे नंबरों से वो पास होता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात ही चलती है। फिर क्या होता है कि विराग के पिताजी एक दिन उसके घर वहाँ पे जो जिस कमरे में वो रहता है वहाँ आते हैं और उसकी कंडीशन देखते हैं, तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा सब कुछ तो मैंने बेच दिया, अब ये जो तुम्हारे माता जी की जो ये चांदी की कुछ आभूषण है वो भी तुम रख लो, और इनसे तुम अपने घी की व्यवस्था कर लो ताकि तुम थोड़े से हष्टपुष्ट हो जाओ। अब विराग की जो कंडीशन है वो कैसी हो जाती है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। किस तरह से वो जो है वो उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, वो इसी तरह से उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि सारा संसार जो है उसको काटने के लिए दौड़ रहा है। और तो यहाँ पर वो कहता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मैं किसी को तनिक भी सहायता पहुँचाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। ये वापस एक मनोस्थिति यहाँ पर आ जाती है एक लड़के की, जब वो किसी तरह का संघर्ष कर रहा होता है।
खेत पहले ही बिक चुके थे, जिस दिन घर भी बिकने लगा तो मैं पूरा पागल हो गया था। आवेश में मैंने अपने तन के सारे कपड़े फाड़ दिए, मन करता था मशाल लेकर सारा संसार जला दूं। रात को आग के पास पिताजी बैठे थे, वसंत बैठा था, मैं बैठा था, मुझे लग रहा था कि यह सब मेरे ही कारण हुआ है। सुबह पिताजी कंधे पर धोती रखकर बाहर मांगने लगे तो मैंने टोका कि आज से आप भीख मांगने नहीं जाएंगे। पिताजी विस्मय से उसका मुंह देखने लगे और कहते हैं कि पुरोताई क्या भीख मांगना है, तो कहता है कि नहीं, वो भीख मांगने से भी बदतर है। अब यहाँ पर एक लाइन कहता है विराट कि जीवन पर इतना संघर्ष करते रहे, अंत में आपको क्या मिला? मैंने कहा तो उसी तरह देखते रहे, क्या मिला इसका हिसाब लगाने की वणिक वृत्ति मेरी कभी नहीं रही वीरा। मुझे तो लगता है कि मुझे क्या नहीं मिला, प्रभु ने मुझे सब कुछ तो दिया है। तेरी माँ मेरे आगे चली गई, कम भाग्यवान थी क्या वो? मैं जिसके दो दो पुत्र रत्न हो उनसे भाग्यवान और कौन होगा? आसमान की तरफ पिताजी के हाथ जुड़े और उनकी आँखें जल रही थी। और वो एक ही बात कहते हैं, जब वीरा ये कहता है कि मैं कुछ भी काम करूँगा, तो वो कहते हैं कि सुखे दुखे समकृत्वा, यानी कि इंसान को सुख और दुख में एक जैसा रहना चाहिए। इस तरह की शिक्षा भी विराग के पिताजी उसको देते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि जब विराग पुनः अपने गांव में आ जाता है, तब उसके पिताजी, उसके जो मित्र होते हैं, पिताजी के मित्र शहर में रहते हैं, उनसे बात पत्रालाप करते हैं और विराग को वहाँ पर भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं। तो फिर क्या होता है कि कहानी आगे बढ़ती है तो उसके पिताजी उसको स्टेशन पर छोड़ने आते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तू जो है वो कुछ पढ़ लिख ले, ताकि क्या है कि ये जो लोग कह रहे हैं मुझे कि तुम्हारा बेटा तो बिगड़ गया, तो मुझे इनको जवाब देना है। तो वही अंतिम दर्शन होते हैं, यानी कि विराग के पिताजी की भी जब वो छोड़ने आते हैं उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है और विराग यहाँ पर एकदम से अकेला रह जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, शहर में वो अनुमेहा से मिलता है, उसकी स्थिति जानता है, तो वहाँ पर उसको और भी बातें पता चलती है कि सुहास उसकी मदद करता है। सुहास की सहायता से अनुमेहा ने एक हॉस्पिटल खोला है, वो डॉक्टर ही बन चुकी है, पर अभी तक उसने भी शादी नहीं की। तो यहाँ पर उसको अब एहसास होता है कि हाँ, अनुमेहा जो है वो मेरे लिए ही बनी हुई थी। तो इस प्रकार की बातें धीरे धीरे चलती है और फिर क्या होता है कि अनुमेहा जो है वह बेला डीला नाम की एक जगह है, वहाँ पर चली जाती है आदिवासियों की सहायता करने के लिए, डॉक्टर बनकर अपना जीवन समर्पित करने की बात वो कहती है। उसी संदर्भ में क्या होता है कि सुहास की मृत्यु हो जाती है। वो बेला डीला जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी पलटने से उसकी मृत्यु हो जाती है और ये बात उसको अनुमेहा के माध्यम से पता चलती है। और जब वो बेला डीला जब विराग भी जाता है तब उसको वहाँ पर अनुमेहा मिलती है, जो कि बहुत ही दीनहीन दशा में उसको मिलती है, कमज़ोर सी। जब उससे वो बातें होती है तो वो बातें बहुत ही वेदना भरी होती है। वो उसको कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मेरे जीवन में अब यही बचा है, तो इस तरह से कितनी कमज़ोर लग रही हो तुम। यहाँ पर कुछ बातचीत में करना चाहूँगा। अनुमेहा कहती कि आप यहाँ, मैं अब तक तुम्हारी ओर ही देख रहा था खोई खोई दृष्टि से, बेला डीला जा रहे थे, गाड़ी ख़राब हो गई, हाँ तुम यहाँ कैसे, कब से मुद्दत हो गई, यानी अनुमेहा बहुत समय से वहाँ है। पहले तो जी हाँ, पहले तराई में कुछ वर्ष रही, अब यहाँ अस्पताल खोला है, सरकारी नहीं प्राइवेट। जी हाँ, खर्चा वर्चा कुछ सुहास भेज देता है, कुछ संस्थाओं से अनुदान में मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो अनुमेहा और विराग की बातचीत होती है। फिर समय बीतता है तो अनुमेहा जब उनकी अंतिम मुलाकात होती है तब वहाँ पर अनुमेहा जो है उनके एक दिन पहले की मुलाकात होती है तो वो बहुत ही थक रही होती है। आप समझते क्यों नहीं, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ साल ही शेष रह गए हैं। जब वो दोनों मिलते हैं तब विराग कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अब तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब अनुमेहा कहती है कि इस जीवन में तो हमारा मिल पाना अब संभव नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जीवन जो है वह दूसरे लोगों को समर्पित कर दिया है। तो अब अनुमेहा कहती है कि अब मैं अपने जीवन के कुछ दिन जो है वो बहुत ही दूर बिताना चाहती हूँ। तो वो अफ्रीका जो है वो चली जाती है। अफ्रीका जाने का इरादा क्यों करती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के कुछ डॉक्टर कांगो में बहुत बड़ा अस्पताल खोलने जा रहे हैं। वो दुनिया भर के डॉक्टरों से अपील करते हैं कि सदियों से सताए हुए लोगों की सुरक्षा के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं। तो स्वीकृति मिल जाती है और ट्रेन का टिकट भी मिल जाता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़ने अगली बार स्टेशन पर हवाई जहाज तक नहीं आओगे क्या? तब वो कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊँगा। तब वो विशाखापट्टनम के जब तक वो पहुँचता है तब तक जो है वह अनुमेहा का जो विमान जो है वो अपने निश्चित स्थल पर उड़ चुका होता है। तभी विराग के मन में आता है कि अभी तक भी सच नहीं लग रहा है, लगता है यह भी एक
जाता है। अपनी जेब से वो हल्के रंग का 8 फुटा टिकट निकाल कर देखता है जो कि हवाई अड्डे का है। बाई ओर का तिरछा फटा है, सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा है और हिंदी में लिखा है बालम विमानपत्तनम, यानी कि अनु यहाँ जो है वो विरासत छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। तो इस प्रकार से हिमांशु जोशी की जो ये कहानी है वो चलती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कहानी है या फिर हिमांशु जोशी के जीवन की सच्चाई है, तो यहाँ पर भी हिमांशु जोशी जी कहते हैं कि सब अनेक हो गया है आज, कि ऐसा क्या है इस उपन्यास में मेरे लिए स्वयं एक रहस्य रहा है। पर ऐसे ऐसे पत्र कभी भी उनको सोचने पर विवश कर देते हैं। पर आज भी कभी नैनीताल जाता हूँ तो उन भीड़ भरी सड़कों पर मेरी आंखें अनायास कुछ खोजने से लगती है। रात के अकेले में उन वीरान सड़कों पर भटकना अच्छा क्यों लगता है। साहित्य की सच्ची सार्थकता इसी में है कि साहित्य मात्र साहित्य नहीं कहीं जिया हुआ यथार्थ भी लगे। इस दृष्टि से भी बहुत कुछ अधूरा है। उस अधूरे के सामने भी अनेक प्रश्न चिन्ह है। क्या उन्हें पूरा करने के लिए एक जन्म भी कम नहीं है? श्रीमती दत्ता, डॉक्टर साहब, ये सभी पात्र जो हैं वो हमारे जीवन के लगते हैं। हिमांशु जोशी जी के और भी उपन्यास मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। दैट ये मेरा बेहतरीन जो है वो मेरा पढ़ा हुआ अब तक का उपन्यास है तुम्हारे लिए, तो ये आप सबके लिए ही है। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।